गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? मेरी जो आवाज है वो पहुंच रही है आप लोगों के पास? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बताओ, आपको आवाज क्लियर है? साउंड ऑल क्लियर? चलिए गाइस, गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सितंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड्स थी कि सर थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन फोकस कीजिए, रेदर देन कि हम जैसे कंप्लीट सेट डिस्कस करते थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन आते थे, तो इंडिविजुअल सेट भी आप डिस्कस किया कीजिए। सो उसी चीज़ को लेके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री के MCQs, ठीक है? तो जो आपके बिहार PCS के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस सेशन में, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर डाउट क्वेश्चन हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, टेलीग्राम डाउनलोड करके तो आपको डॉक्टर विपिन गोयल का चैनल सर्च करना है। तो यहाँ पे 140,000 प्लस जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक के ऊपर विपिन गोयल के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मुझे सर्च करके यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो अगर आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं, जब बिहार का SSC CGL का पेपर आने वाला है, तो अगर आप इन चीज़ों की फोकस कर रहे हैं तो आप मेरे पेड कोर्स से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दैट इज 10,000 MCQ कोर्स। इसमें हमने 100 डेज प्रोग्राम चलाया हुआ है हमारा BPSC के लिए, ठीक है? और प्लस यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको बिहार की GK भी देखने को मिलती है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पढ़ जाएंगे ना, तब भी आपका कोई भी बिहार का एग्जाम है आपको इजीली क्रैक कर सकते हैं आप उस चीज़ को। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और इस कोर्स के अंतर्गत अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कोड लगाएंगे VIP Flash। अगर आप VIP Flash कूपन कोड लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और कोर्स जस्ट आपको 1299 रुपीज़ में मिल जाएगा इस कोड को लगा के। GS कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टडी करी गई हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं, StudyIQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा सर्च बार। सर्च बार में आपको 10,000 डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो आपको मेरा कोर्स 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा, तो आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में भी आपको नजर आ जाएगा ये कोर्स मेरा व्यू ऑल करके। और इसके अलावा यहाँ पे जस्ट लॉन्च का बटन होगा, उसको व्यू ऑल करना, तो उसमें भी आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। बस आप अपना पढ़ें, तैयारी करें और जो है प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्लियर? तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में। स्टार्ट करने से पहले अगेन, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमारी कहाँ पे आती है, 10,000 MCQ कोर्स में। और मॉक टेस्ट नंबर 22 मैं अपलोड करूंगा इस सैटरडे को, हर सैटरडे इसके अंतर्गत आज से मतलब अब से जो है मॉक टेस्ट अपलोड हुआ करेंगे, तो इसको आप पढ़ के जाना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। यस, कोशिश करो खुद से ज्यादा आंसर देने की। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1, विच मुगल एम्परर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन द कंटेम्परेरी पाकिस्तान। मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो है इनमें से किसका जो है मकबरा देखने को आपको मिलता है।
अब मैंने आपको बताया था पाकिस्तान लाहौर में सबसे ज्यादा टाइम किसने व्यतीत किया है, किसने गुजारा है, एंड दैट वाज द जहांगीर, दैट वाज जहांगीर। तो जहांगीर क्या करता है, जहांगीर का वहां पे ही टॉम बना हुआ है, जहांगीर मैक्सिमम टाइम आपका लाहौर में रहता है। समझ आया, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर को पेंटर किंग के नाम से भी आप जानते हैं। जहांगीर ने पांचवें सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु, जिन्हें हम कहते हैं गुरु अर्जन देव जी, उनको मारा था। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी को मारा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। जहांगीर जी, जहांगीर की अगर हम बात करते हैं, इनकी वाइफ का नाम है मेहरुन्निशा, जो कि विडो है, एक विधवा है शेर अफगानी की, और इनको पसंद आ जाती हैं, जहांगीर को पसंद आ जाती हैं, और अब शादी कर लेते हैं और इनको टाइटल दे देते हैं, नूर जहां का टाइटल मिलता है। नूर जहां अपने आप को पादशाह बेगम का टाइटल ले लेती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये करती है, पादशाह बेगम। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, जहांगीर के बारे में बात करते हैं, ये अकबर का बेटा है, और जहांगीर जो है, जहांगीर इसका नाम ओरिजिनल नेम क्या है, सलीम है, और इनका आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है उसके बाहर एक चेन लटकी होती थी, जिसे हम क्या कहते थे, चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस, क्लियर, जिसे हम क्या कहते हैं, जंजीरे आदिल, जंजीरे आदिल के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर के दरबार में अंग्रेज परमिशन लेने आए थे सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो पहला बंदा परमिशन जो लेने आया था वो आया था विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, और इसको परमिशन नहीं मिली थी, और ये अपने साथ बहुत सारी शराबें, बहुत सारी चीजें, ऐश परस्ती की चीजें लेके आया था। जब उसने जहांगीर को भेंट करी तो जहांगीर को बहुत पसंद आई। जहांगीर ने विलियम हॉकिन को क्या कहा कि तू ऐसे कर, हमारे दरबार में ही रुक जा। ठीक है, तो अपने दरबार में ही रोक लिया, और इसको टाइटल क्या दे दिया, इसको टाइटल दे दिया इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया यहां पे, क्लियर। तो इसको परमिशन नहीं मिली। फिर परमिशन किसको मिली है, परमिशन मिली थी आपके थॉमस रॉय को, थॉमस रॉय को, क्लियर। और इसको फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मिली थी, कहां पे फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, सूरत जिन्हें हम डायमंड सिटी कहते हैं, ताप्ती रिवर के किनारे पे देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। जहांगीर ने शालीमार बाग, शालीमार बाग जो है लाहौर में बनवाया, मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। मोती मस्जिद लाहौर में भी है, मोती मस्जिद तीन है, एक आगरा में है और एक दिल्ली में भी है। मोती मस्जिद, दिल्ली वाली मोती मस्जिद बनाई थी औरंगजेब ने, और आगरा वाली बनवाई थी शाहजहां ने। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो डेथ हो गई थी, जो लाइब्रेरी की सीढ़ियां हैं उससे गिरने से हो गई थी, और हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा गया है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, और इनका टॉम जो है वो कहाँ पे है, डेट इज इन द दिल्ली, हुमायूं टॉम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, यानी कि ताजमहल बनने से पहले जैसा ताजमहल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और इसको बनवाया किसने था, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने इसको बनवाया था, सैयद अली और मल्लिक मिर्जा गियास, इन्होंने क्या किया था, डिजाइन किया था आपका, दैट इज हुमायूं टॉम। हुमायूं के बारे में बात करें तो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी 1539, 1540, और दैट इज बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्रिम, और बिलग्रिम की लड़ाई को कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं। दोनों लड़ाइयों में हार कौन गया था, हुमायूं, शेरशाह सूरी जीता था। अकबर के दरबार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में। अकबर का टॉम कहाँ पे है, दैट इज इन द सिकंदरा नियर आगरा, सिकंदरा नियर आगरा, सिकंदरा नियर आगरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, सिकंदरा नियर आगरा। अब बात करते हैं अकबर के बारे में, और अकबर का हमने बात कर ली है सिकंदरा नियर आगरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अकबर ने जो है आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखी है, आईने अकबरी और अकबरनामा,
आईने अकबरी और अकबरनामा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, दिस इज द अकबर। और क्या पढ़ सकते हैं अकबर के लिए, अकबर के दरबार में मनसबदारी सिस्टम चलाया था, सबसे ज्यादा मनसबदारी मिलती किसको थी, डेट इज राजा मानसिंह को, जिन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी 1576 में महाराणा प्रताप के अगेंस्ट। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़ की लड़ाइयां लड़ी थी 1658 में और अपने भाइयों को हराया और टाइटल क्या ले लिया, डेट इज आलमगीर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिंदा पीर इनको नाम को कहा जाता है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं सिखों के 10वें सिख गुरु, जफरनामा लिखा गया था उन्होंने और जफरनामा लिख के भेजा किसको था, औरंगजेब को लिखा था। 9वें सिख गुरु यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी दैट इज गुरु तेग बहादुर जी, उनको मारा था, उनको शहीद किया था औरंगजेब ने, कहाँ पे, चांदनी चौक में, चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का सर शीश गिरा था वहीं पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, डेट इज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, क्लियर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो 9वें सिख गुरु हैं हमारे डेट इज गुरु तेग बहादुर जी, उनको हम और क्या कहते हैं, हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, जहांगीर इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, शाबाश। फ्रॉम विच सूफी दरगाह ऑफ दिल्ली ए ग्रुप ऑफ सिंगर सैंग प्लेबैक फॉर द बॉलीवुड, बॉलीवुड सिंगर्स आपने सुना होगा गाना कुन फाया कुन जो रॉकस्टार मूवी में था, तो उसमें एक दरगाह दिखाई गई है एंड दैट दरगाह इज हजरत निजामुद्दीन। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन द दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर वन। अगला बताइए जी, जी चंद प्रद्योत वॉज अ रूलर ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक, चंद प्रद्योत जो है किस गणराज्य का राजा था, कौन सी एंशियंट रिपब्लिक का राजा था, सो वो था अवंती का एक राजा था, तो आंसर नंबर सी। और ये जितने भी ऑप्शन लिखे गए हैं ये क्या हैं, ये जनपद हैं, जनपद मतलब छोटी छोटी रियासतें हैं, जनपद कहते हैं। और ऐसे ही 16 जनपद थे हमारे एंशियंट इंडिया में जिनको टोटल मिला के क्या कहते थे, महाजनपद के नाम से जाना जाता था, महाजनपद मतलब उसमें 16 जनपद देखने को हमें मिलते हैं। अवंती की जो कैपिटल होती है वो है उज्जैनी और माहिष्मती, उज्जैनी और माहिष्मती, क्लियर हो गया आप लोगों को। और काशी की काशी, क्लियर। अंगा की बात करें तो चंपा, अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा। और बाकी बताओ वजी की क्या है, यस वजी की क्या है, दैट इज वैशाली। सो दीज आर द कैपिटल्स, पेपर में कैपिटल्स पेपर में पूछी जाती हैं हमेशा, अगर इसके ऊपर वो क्वेश्चन डालते हैं ना एग्जामिनर इन महाजनपद के ऊपर, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो कैपिटल पूछे, बट आपको याद करके जाना है जो मैंने आपको बताया है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, यानी कि इनके ऑथर कौन है, तारीख ए फिरोज शाही जी, तारीख ए फिरोज शाही, बिल्कुल सही। इनके जो ऑथर हैं वो हैं आपके डेट इज जियाउद्दीन बारानी, जियाउद्दीन बारानी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ नाम याद करना है आपको, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखिए तारीख ए फिरोज शाही है, अगर यहां पे पेपर में पूछ लेता फतूहत ए फिरोज शाही, अगर ये पूछ लेता फतूहत ए फिरोज शाही, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, मतलब इनकी आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा देखने को मिलती है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी उनके ऊपर लिखी गई है फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो इनको गुलाम रखने का बड़ा शौकीन थे ये, स्लेव्स रखने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाया था, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बंदगन, डिपार्टमेंट ऑफ बंदगन, क्लियर। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, स्लेव डिपार्टमेंट तो बनाया डिपार्टमेंट ऑफ बंदगन, और क्या बनाया था इन्होंने, स्लेव्स का डिपार्टमेंट बनाया और हाँ दीवाने खैरात, दीवाने खैरात,
दीवाने खैरात का मतलब ये होता था कि जिसमें ये उस खैरात से मतलब उस पैसे से गरीब लड़कियों की शादी करवाता था, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, जो आपकी कुतुब मीनार है, देखिए कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पॉइंट समझ आया, और उसको कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर बिजली गिर गई थी कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के ऊपर और थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हुई थी, और उसको रिपेयर जो करवाया था और ऊपर से दो दो बिल्डिंग भी बढ़ा दी थी, और वो किसने करवाई थी, दैट वाज बाय द फिरोज शाह तुगलक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फिरोज शाह तुगलक ने एक टैक्स लेना स्टार्ट किया था, दैट इज जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो है इन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर लगाया था, ये टैक्स जो होता था पिलग्रिमेज टैक्स होता था, अगर तीर्थ यात्राओं के ऊपर जाएंगे तो ये टैक्स आपको पे करके जाना पड़ेगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, दैट इज बी ऑप्शन, यस। चलिए जियाउद्दीन बारानी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, इन्होंने दो पर्सन है, जियाउद्दीन बारानी और शमसे शिराज दोनों हैं, पर अगेन इसमें मेन पर्सन वॉज द बारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो है आपका, ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये एक्ट किस साल पारित हुआ था, विडो रिमैरिज एक्ट। देखिए अगर मैं बात करता हूं विडो रिमैरिज एक्ट की, विधवा के दोबारा से शादी, तो ये किसने करवाया था, दैट वाज बाय द लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इसको सपोर्ट किसने किया था, कौन से इंडियन ने सपोर्ट किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था कि हां जो है ये आपका होना चाहिए, विधवा की दोबारा से शादी होनी चाहिए। ये संस्कृत कॉलेज के अंदर टीचर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ये आया था 1856 में। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1856। जो लॉर्ड डलहौजी है इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी स्टार्ट करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत 1848 में, जिसमें पहली स्टेट इन्होंने कैप्चर करी थी सतारा, दैट इज इन द महाराष्ट्र, सतारा, जयपुर, भगत, उदयपुर, संबलपुर, झांसी और अवध, ऐसी स्टेट्स को कैप्चर किया गया था यहां पे हड़प नीति के अकॉर्डिंग। अब यहां पे जो 1856 में इन्होंने कैप्चर किया था अवध को, अवध को जो कैप्चर करने का रीजन क्या था, ड्यू टू द मैल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे राजनीति ठीक ढंग से नहीं हो रही, तो इसको बाद में छोड़ दिया गया था, अवध को अलग निकाल दिया गया था कि हाँ आप लोग जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं आते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन। 1858 की अगर मैं बात करता हूं, तो 1858 में आपका गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, सुशासन का अच्छा कानून, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट। इसमें आके जो क्वीन है, क्वीन ने आके तीन बातें बोली थी, क्या, ना तो हम धर्म के काम में इंटरफेयर करेंगे, क्लियर, सबको समानता मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी आपको, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है हड़प नीति के सिद्धांत, उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पॉइंट समझ आया, ये बातें बोली गई, लेकिन इन बातों में सिर्फ एक बात पूरी हुई थी, बाकी बातें पूरी नहीं हुई थी, इन्होंने रिलीजन के अंदर जो है दखल अंदाजी करनी बंद कर दी थी, क्योंकि इनको पता लग गया था 1857 के रिवोल्ट में कि हाँ लोग बड़े सेंसिटिव हैं धर्म को लेके, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, धर्म में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने धर्म में इंटरफेयर किया था 1857 में, पुराने टाइम से कितना कुछ चलता आ रहा था, लोग नहीं बोले थे, लेकिन जब धर्म की बात आई, यानी कि चर्बी वाले कारतूस की बात आई, तो इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया था हमारे इंडिया में, सो ऑब्वियसली बात है, तो रिलीजन में इन्होंने दखलंदाजी बंद कर दी थी यहां पे 1858 में, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1862 की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता होगा हाईकोर्ट एक्ट 1861, और इसके अकॉर्डिंग जो है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों में आपकी हाईकोर्ट बनाई गई थी, दैट इज इन द 1862 के अंतर्गत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, 1862 में। एक चीज आपको और याद करनी है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को समर कैपिटल बनवाया था, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के अंतर्गत
इन्होंने स्टार्ट किया था, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है आपको इन्होंने स्टार्ट किया था, और फर्स्ट ट्रेन इन्होंने रन करी थी 16 अप्रैल 1853 के अंतर्गत, 34 किलोमीटर जो है ये ट्रेन रन करी थी, बॉम्बे टू ठाणे ये रन करी थी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1856 इज द करेक्ट आंसर, 1856, क्लियर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसको सपोर्ट किया था, विडो रिमैरिज एक्ट को। चलिए अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है यहां पे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब यह है कि आपकी जो है सांप्रदायिकता के ऊपर जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, दैट मीन्स कम्युनल मतलब जातिवाद की बात आ जाती है, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, ये बातें करी गई थी यहां पे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी, एंड दिस वॉज इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्लियर। यहां पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी यहां पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जिसमें जो मिंटो थे आपके वो थे गवर्नर जनरल वाइसरॉय, क्लियर, और जो मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि सचिव। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करी गई, पहली बार भारतीयों को बजट डिस्कशन करने के लिए बात करी गई यहां पे, बजट जिसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में लिखा होता है, बजट में ये होता है कहां से पैसे आएंगे, कहां को जाएंगे, किस तरीके से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे, ये सब चीजें इसमें लिखी होती हैं। दूसरी बात आ जाओ इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद यहां पे 1892 की, तो 1892 को सोच के मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, दादाबाई नारोजी, दादाबाई नारोजी जी को आपका फिंसबरी से इलेक्ट किया गया था लिबरल पार्टी से, और पहली बार भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन में गए थे, पहले भारतीय हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले, दैट वॉज दादाबाई नारोजी। दादाबाई नारोजी जिन्हें हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समझ आया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है, रस्त गफ्तार का पेपर इन्होंने लिखा है, पॉइंट समझ आया आप लोगों को। और दादाबाई नारोजी जी ने 1906 में स्वराज वर्ड को यूज किया था पहली बार आईएनसी के सेशन में, और दैट सेशन इज कलकत्ता सेशन, इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अदरवाइज स्वराज वर्ड जो है वो किसका है, दयानंद सरस्वती जी का ये वर्ड है, दयानंद सरस्वती जी वही पर्सन हैं जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड आउट किया था, और इंडिया फॉर इंडियंस, गो बैक टू वेदास, और स्वराज वर्ड जो है इनके दिए गए वर्ड हैं। इन्होंने वेद भाष्या भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये सारी पुस्तकें जो हैं लिखी किसके द्वारा गई हैं, दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई हैं, याद रखना है, ठीक है। दयानंद दादाबाई नारोजी की जी की प्राइवेट सेक्रेटरी का जो नाम है वो क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी का जो नाम है डेट इज मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा वही हैं जिन्होंने 1907 में स्टटगट के अंतर्गत जो है पहली बार जो है तिरंगा लहराया था, और ये याद रखने वाला पॉइंट है, और 1907 में स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर तिरंगा तो लहराया था, और क्या किया था इन्होंने स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर तिरंगा तो लहराया, और ये इनको बोला जाता है मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया, मतलब भारत में जो क्रांतिकारी भावना है उसको जगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दैट वॉज मैडम बीकाजी कामा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मोंटेक्यू कौन है, सेक्रेटरी है, चेम्सफोर्ड कौन है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। अब 1919 का एक्ट जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहां पे बात करी गई थी आपकी डेट इज प्रोविंशियल डायार्की की। प्रोविंशियल डायार्की का मतलब ये होता है कि प्रांतों में द्वैशासन,
द्वय शासन का मतलब ये हो गया, एक पावर आपकी रिजर्व रख दी गई, एक आपकी पावर ट्रांसफर रख दी गई। रिजर्व पावर जो होगी वो गवर्नर जनरल वाइसराय के पास होगी, जैसे कि डिफेंस की बात करी जाए, फाइनेंस की बात करी जाए, कम्युनिकेशन की बात करी जाए, जो मेजर मेजर इश्यूज हैं, क्लियर। दूसरी बात, जो ट्रांसफर पावर रखी गई थी वो इंडियंस को दे दी गई थी, और वो पावर जो है हम कभी भी अंग्रेज लोग ले सकते थे। वो ट्रांसफर पावर में क्या था, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें जो हैं लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, लोकल इंडियंस को दे दी गई थी। प्रोविंशियल डायार्की यहां पे बात हुई थी। 1935 का जो एक्ट है इसमें जो ये प्रोविंशियल डायार्की है इसको अबॉलिश किया गया था, अबॉलिश द प्रोविंशियल डायार्की। तो डायार्की लगा कहां पे दी गई थी, ये लगा दी गई थी आपकी सेंटर में लगा दी गई थी। तो और यहां पे प्रांतों को पावर्स दे दी गई थी, ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं, अब आपको किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। और प्लस 35 के एक्ट में जो ऑर्डिनेंस पावर थी आपकी, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, ये गवर्नर जनरल वाइसराय के पास ही थी। और 35 के एक्ट में फेडरल स्ट्रक्चर की बात देखने को आपको मिली थी। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, संघ, मतलब पावर्स डिवाइडेड होगी यहां पे, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड देखने को आपको मिलेंगी। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पे बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग बनाया गया, और आरबी इसके अकॉर्डिंग बनाया गया। ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हैं। 35 के एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, क्या, इट इज ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, इट इज ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, यानी कि ये गुलाम बनाने के लिए दोबारा से एक कानून बना दिया गया है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। चलिए अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, यस, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, और इसका आंसर फटाफट बताइए जी। सत्यरथ प्रकाश जो पुस्तक है ये किसकी है, सत्यरथ प्रकाश वेद भाष्या, वेद भाष्या भूमिका, ये तीन पुस्तकें, तीनों की तीनों पुस्तकें जो हैं ये किसकी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिनको हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आंसर नंबर सी, स्वामी शरदानंद जो हैं वो कांटेक्ट में आए थे, मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती जी के कांटेक्ट में आए थे, और इन्होंने हिंदू संगठन जो है आपका स्टार्ट किया, हिंदू संगठन इन्होंने स्टार्ट किया, स्वामी शरदानंद जी ने स्टार्ट किया, और ये हिंदू संगठन एक पुस्तक है बाय द स्वामी शरदानंद जी, बुक है ये स्वामी शरदानंद जी के। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं स्वामी शरदानंद जी की पुस्तक जो है वो हिंदू संगठन है, और प्लस इन्होंने शुद्धि मूवमेंट के ऊपर फोकस किया था। शुद्धि मूवमेंट जो है सरस्वती जी का स्टार्ट किया हुआ है शुद्धि मूवमेंट। इसमें क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था उसको दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना, दैट वॉज द शुद्धि मूवमेंट, क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंतर्गत, एंड दैट इज कॉल्ड बोल्शेविक, दैट इज कॉल्ड बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रशिया में स्टार्ट हुआ वो किसके टाइम पे स्टार्ट किया गया था, सो दैट इज बाय द एट द टाइम ऑफ जार निकोलस टू, जार निकोलस टू इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी, जार निकोलस टू, दैट्स इट, क्लियर। और रशिया आजाद कब हुआ था, रशिया का ये रेवोल्यूशन जो था 1917 में, 1917 में देखने को आपको मिला था रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। गौतम बुद्ध एज ए प्रिंस वॉज नोन एज, जो गौतम बुद्ध जी हैं इनका बचपन का नाम, जब राजकुमार थे ये, तो इनका क्या नाम रखा गया था, यस, इनका क्या नाम रखा गया था, यस बताइए, इनका जो नाम रखा गया था गौतम बुद्ध जी का नाम था, डेट वॉज सिद्धार्थ। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इनको गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है, गौतम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो सिस्टर हैं, सॉरी इनकी मदर हैं महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी उनके नाम पे जो है ये इनका नाम आया। सो दैट मींस उस टाइम पे जो सोसाइटी है वो किस तरीके की सोसाइटी है, दैट वॉज मैट्रियार्कल, यानी कि माता के नाम को फोकस किया जा रहा है यहां पे, तो दैट इज मैट्रियार्कल सोसाइटी है महाप्रजापति गौतमी। और बुद्ध इसको, इनको क्यों बोला जाता है, बुद्ध वर्ड का मतलब होता है इनलाइटेंड वन, इनलाइटेंड वन, जिनको निर्वाण प्राप्ति हो जाए। और गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोधगया में, बोधगया में पीपल ट्री के नीचे,
पीपल ट्री के नीचे, जब इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने इनका मतलब इस चीज को रिस्पॉन्सिबल कौन है, इन्होंने देखा किसने था कि हाँ इनको निर्वाण प्राप्ति होगी है, तो इनके आसपास कोई भी नहीं था, तो इन्होंने जो है अपना हाथ जो है टच किया कहां पे, डेट इज इन द अर्थ को, और अर्थ को साक्षी मान के इन्होंने कहा कि मुझे निर्वाण प्राप्ति हो गई है, और अर्थ को साक्षी माना, जब इन्होंने अर्थ को ऐसे टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं, एंड दैट मुद्रा इज कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। पेपर में पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो किसके साथ लिंक करती है, तो आप कहेंगे कि जब इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जब ये बोधि ट्री के नीचे बोध गया में जो है ये क्या करते हैं वहां पे, आई मीन क्या करते हैं ये इनलाइटनमेंट इनको मिलती है, निर्वाण प्राप्ति मिलती है, तो उस बोधि ट्री को काटा भी गया था। बोधि ट्री को काटने वाला पर्सन कौन था, शशांक, दैट इज गरुड़ रूलर, दैट इज बंगाल से था ये। फिर उनकी जगह के ऊपर, उस बोधि ट्री की जगह के ऊपर जो अशोक की बेटी है संगमित्रा, उन्होंने एक पेड़ लगा दिया था जो आजकल हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, सो ये याद रखना है आपको, गौतम बुद्ध, सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात मैं यहां पे ये करना चाहूंगा कि जो बुद्ध वर्ड का मतलब है इनलाइटन वन, और इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है, लुम्बिनी में, और इनके पिता लुम्बिनी में, और अशोक ने इनके लुम्बिनी में एक पिल्लर बनाया था, दैट वॉज रुमनदेई पिल्लर, जो इनकी नेटिव जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध जी ने जब इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो पहला उपदेश दिया था, और वो पहला उपदेश को हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, क्लियर, फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथवे एंड द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, धर्मचक्र परिवर्तन को कहते हैं, और ये दिया था सारनाथ में इन्होंने उपदेश, और पाली भाषा में दिया था, ठीक है, और अपने पांच लोगों को दिया था, पांच अनुयायियों को दिया था, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी जो इनका जो बेटा है दैट इज राहुल, और शुद्धोदन जो है इनके पिताजी हैं, किनके, दैट इज गौतम बुद्ध जी के। गौतम बुद्ध जी ने चार ट्रुथ हमें बताए थे, चार नोबल ट्रुथ, वो क्या थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है, देर इज ए सोरो, दुख है, लेकिन इसका एक कारण है, देर इज ए कॉज, क्लियर, इसके पीछे कारण है। अब इस चीज को आप खत्म भी कर सकते हैं, देर इज ए सेसेशन ऑफ द सफरिंग्स, कैसे खत्म कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथवे, धर्म चक्र परिवर्तन के रास्ते को फॉलो करके आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी के प्रीवियस जन्मों की जो कहानियां हैं, पुराने जन्मों की कहानियां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जातक टेल्स, दैट इज द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, प्रीवियस बर्थ, क्लियर। और आने वाले जो फ्यूचर बुद्ध हैं उनका नाम क्या रखा है इन्होंने, क्या बोलते हैं, फ्यूचर बुद्ध इज मैत्रेय। पॉइंट समझ आया। एक चीज आपको और बता दूंगा मैं यहां पे कि जो इनके गौतम बुद्ध जी के साथ, यानी कि बुद्ध धर्म के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक आर्किटेक्चर जो जुड़ा हुआ है चैत्य, और एक है विहार, चैत्य और विहार। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि चैत्य और विहार का मतलब क्या है। चैत्य वो पॉइंट होते हैं जहां पे धर्म की बातें होती हैं, रिलीजियस और, क्लियर। विहार वो होते हैं जहां पे ये जो मॉन्क्स एंड नंस वगैरह जो हैं रहते हैं, दैट इज रेजिडेंस हॉल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ इज द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। द फिलोसफी परपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज, फिलॉसफी जो है, क्योंकि उपनिषद जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट है हमारे, और उपनिषद में आपके टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं, और इसमें वेदांता फिलॉसफी को हमने जो है बात करी हुई है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेदांता फिलॉसफी को। उपनिषद में एक उपनिषद आपको याद करना है, एंड दैट इज द मुंडक उपनिषद, That is called मुंडक उपनिषद। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये मुंडक उपनिषद में लिखा गया है आपका सत्यमेव जयते जो वर्ड लिखा गया है, that is in the मुंडक उपनिषद। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेदांता फिलोसफी के बारे में यहां पे लिखा गया है। क्लियर हो गया। सांख्या दर्शन है, सांख्या दर्शन किसने बताया था हमें, कपिल। समझ आया। योगा दर्शन हमें बताया था पतंजलि ने। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, फिलोसफिकल टेक्स्ट वेदांता। चलिए अगला आंसर बताइए।
द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज, जैन धर्म के फाउंडर का नाम बताना है, तो उनका नाम है ऋषभ देव ऋषभनाथ, तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऋषभ देव ऋषभनाथ वन इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म के अंतर्गत जो लोग हैं यानी कि जो भगवान हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज तीर्थंकर, तीर्थंकर। और यहां पे जब किसी को इनलाइटनमेंट जन के सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है, उस सुप्रीम नॉलेज को हम क्या कहते हैं, कैवल्या, कैवल्या कहा जाता है, सुप्रीम नॉलेज को कहा जाता है। क्लियर हो गया। और 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24। अब ये 24 में पहले तो ऋषभदेव ऋषभनाथ है, पार्श्वनाथ 23rd हैं आपके, और यानी कि लास्ट वाले जो वर्धमान महावीर जी हैं वो हैं आपके 24th तीर्थंकर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हमारी जो बुद्ध धर्म के अंतर्गत तीन पुस्तकें लिखी गई हैं, दैट इज विनयपिटक, बुद्ध धर्म की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, विनयपिटक, सुत्तपिटक, अभिधाम पिटक, ये लिखी गई हैं यहां पे, ठीक है। जिसको लिखा किसने है, विनयपिटक को लिखा है उपाली ने, सुत्तपिटक को लिखा है आनंद ने, अभिधाम पिटक को मोगलिपुत्तिस ने लिखा है। अब ऐसे ही जैन धर्म के अंतर्गत जो बुक्स हैं वो 12 अंग हैं आपके, और उन 12 अंग के 12 उपअंग भी हैं, क्लियर। इन बुक्स को ये कहा जाता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वर्धमान सॉरी ऋषभदेव ऋषभनाथ इज द करेक्ट वन जी। हाँ वो ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर की बात सही है, श्वेतांबर वो हैं जो वाइट कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो हैं जो नेकेड रहते हैं। श्वेतांबर जो होते हैं वो आपके नॉर्थ इंडिया में थे स्थलभद्रा के अंतर्गत, और जो साउथ इंडिया चले गए थे जो नगन रहते हैं, दैट इज इन द भद्रबाहु, दैट इज कॉल्ड दिगंबर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जो है आपका कौन है, कार्नेटिक म्यूजिक के फाउंडर और फादर कौन है, जस्ट नाम याद करेंगे, पुरंदर दास, जस्ट नाम आपको याद करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें, तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, पुरंदर दास जी, जिन्हें हम पितामह के नाम से भी जाना जाता है, पितामह। अगला बताइए, जी देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, देखिए चार एंग्लो मैसूर वॉर हुई हैं, मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट वाली जो हुई है 1767 टू 1769 में हुई है, दूसरी वाली जो हुई है 1780 से 84 में, तीसरी वाली जो हुई है 1790 से 92 में, चौथे वाली जो हुई है डेट इज इन द 1799, पॉइंट क्लियर हो गया। पहली वाली जो लड़ाई है वो हैदर अली जीता था, और यहां पे जो संधि हुई ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास 1784 में, 80 से 84 में ब्रिटिशर्स जीते थे, और यहां पे ट्रीटी साइन हुई थी मैंगलोर, 90 से 92 में ब्रिटिशर फिर जीते थे टीपू सुल्तान को हरा के, टीपू सुल्तान हारा था, और यहां पे ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम। चौथी लड़ाई 1799, और यहां पे अगेन ब्रिटिशर जीते, टीपू सुल्तान को मार दिया गया था आर्थर वेलेस्ले द्वारा, टीपू सुल्तान को मार दिया गया था आर्थर वेलेस्ले द्वारा, पॉइंट समझ आया आप लोगों को, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। मद्रास मैंगलोर श्रीरंगापट्टनम, ये बिल्कुल सही है आपके, तो अब यहां पे देख लो जी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई है, तो डेट इज इन द 1767 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, डी ऑप्शन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पे कि जो आपके वो हैं डेट इज हैदर अली सॉरी टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान उनकी कैपिटल जो है वो श्रीरंगापट्टनम है, श्रीरंगापट्टनम में उन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, उदारता का पेड़। दूसरी बात यह है टीपू सुल्तान जो है आपके वो जैकोबियन क्लब का मेंबर है, जैकोबियन क्लब जो कि एक आपका फ्रेंच क्लब है,
जैकोबियन क्लब का मेंबर है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका डी 1767 इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइए, पहले पुर्तगीज वायसराय जो भारत देश के थे वो क्या थे। देखिए पुर्तगीज की बात करते हैं, 1498 में भारत देश में आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, और ये आया कौन था, आया था वास्को डिगामा। जब इंडिया पहुंचा था वास्को डिगामा तो कहां पे, कैलिकट, और कैलिकट का रूलर कौन था, जैमोरिन उस टाइम पे। और उसके बाद जो है गवर्नर आने लग गए थे, तो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी एल्मिडा, क्लियर, और दूसरे थे एल्ब्यूरिक्यू अल्फोंसो द एल्ब्यूरिक्यू सेकंड। पुर्तगीज हमारे भारत देश में आने वाले पहले यूरोपियन 1498 में ये थे, लास्ट में जाने वाले यूरोपियन 1961 में यही थे। गोवा को हमने आजाद करवाया था इनसे, एंड दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन विजय, दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन विजय। और गोवा को इन्होंने कैपिटल बनवाया था 1510 में, 1510 से लेके 1961 तक 300 साल तक जो है अप्रोक्सीमेटली 300 साल तक पुर्तगीज की कैपिटल ये रही थी, दैट इज गोवा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। पुर्तगीज हमारे भारत देश में टोबैको को लेके आए थे, टोबैको इंडिया में ग्रो करना बंद करवाया था किसने, यानी कि कंजम्पशन करना बंद करवाया था, जहांगीर ने खत्म करवाया था। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। नो टोबैको डे होता है 31st of May को। टोबैको की बात करते हैं तो टोबैको मोज़ेक वायरस, पहला वायरस जो ढूंढा गया था टोबैको प्लांट के ऊपर, इवानोवस्की ने इसको ढूंढा था। इवानोवस्की जो है फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं, वायरोलॉजी का मतलब ये होता है द स्टडी ऑफ वायरसेस, और वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, ये सबको पता है आप लोगों को। तो ये आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, ए फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। ये कुछ फेमस केव्स हैं आपकी, ये केव्स कहां पे हैं, उदयगिरी और खांडगिरी जो आपकी केव्स हैं ये कहां पे देखने को मिलती हैं, सो दैट इज इन द उड़ीसा। आंसर नंबर क्या बनेगा, फोर ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा में उदयगिरी खांडगिरी हिल्स तो है ही हैं, यहां पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखने को आपको मिलती है, दैट इज द राजा खारवेल की इंस्क्रिप्शन है, हारवेल की इंस्क्रिप्शन है ये। उड़ीसा के अंतर्गत चिलिका लेक देखने को मिलती है, जो लेगून लेक है आपकी। कोणार्क सन टेंपल देखने को मिलता है यहाँ पे, कोणार्क सन टेंपल, ठीक है, और आपका जगन्नाथ टेंपल पुरी में, जगन्नाथ टेंपल पुरी, और जो है आपका डेट इज जगन्नाथ टेंपल पुरी, कोणार्क सन टेंपल, एंड वन मोर इज भुवनेश्वर में है एक आपका लिंगराज टेंपल, लिंगराज टेंपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये याद रखना है। उड़ीसा, उड़ीसा में एक बीच है जिसे हम क्या कहते हैं, गाहिर माथा बीच, गाहिर माथा बीच, और यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल वो क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, और उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरिबदा के नाम से जाना जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है आपका उड़ीसा में है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो है आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। त्रिपुरा की बात करूं, एक ऐसी स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके सेंटर से होकर निकलती है, त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जो तीनों साइड से जो है बांग्लादेश से बाउंड है, बांग्लादेश से बाउंड है, मतलब तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक आपका नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यहां पे आपका कांगेड वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, गुरु घासीदास भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहां पे, जहां से आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, सो आंसर नंबर क्या बनेगा, फोर, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। यस, रुद्रसागर लेक भी देखने को मिलती है त्रिपुरा में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखिए जी आगे क्या कहता है, मेहरगढ़ एक नवपाषाण काल दैट इज न्योलिथिक सेटलमेंट है जो पाकिस्तान प्रोविंस में देखने को मिलती है, कहां पे। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर के साइंस देखने को हमें मिले थे, एग्रीकल्चर के साइंस,
समझ आया। और ये बलूचिस्तान प्रोविंस है आपकी, वहां पे देखने को मिले थे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर नंबर बी। और ये बोलान रिवर के एज पे देखने को हमें मिले हैं, बोलान रिवर। समझ आया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक, क्योंकि यहां पे चीजें लिखित नहीं है, हम पिक्चर से सिक्कों से पता करते हैं। और प्रोटो हिस्टोरिक के अलावा यहां पे इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। सबसे पहली बार कॉटन जो हमने उगाया था वो उगाया था, डेट इज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बलूचिस्तान, क्लियर। सो हेयर इज द मेहरगढ़, हेयर इज द मेहरगढ़। अगला बताइए, जो सलीम अली है जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने जो आपका थ्रोन था जाने के सिंहासन कब हासिल किया था, कब इनको सिंहासन मिला था। देखिए सलीम जो है ये वही है जिन्हें हम जहांगीर कहते हैं। जहांगीर को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है, पॉइंट समझ आया। जहांगीर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है यहां पर डिटेल में, ठीक है। प्रिंस अली, प्रिंस सलीम अली तभी बैठेंगे ना जब अकबर की डेथ होगी, क्योंकि अकबर के बेटे हैं ये। अकबर की डेथ होती है आपकी 1605 में, कहां पे इनका होता है? सिकंदरा नियर आगरा जो है इनका टॉम होता है। और ऐसे ही फिर सलीम अली जो बैठते हैं, किंग बैठते हैं, डेट इज इन द 1605 के अंतर ही किंग बैठते हैं। जहांगीर जो है इनका टाइटल है, जहांगीर का मतलब होता है डेट इज कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और सलीम अली इनकी वाइफ मैंने आपको बताया था नूर जहां है। नूर जहां के जो पिता है डेट इज इतमादुद्दौला, नूर जहां के पिता इतमादुद्दौला। और इनका जो टॉम है ना, उसका टॉम जो है वो है पित्रादुरा। अब पित्रादुरा जो है एक ताजमहल है, एक इतमादुद्दौला का टॉम है। पित्रादुरा में क्या होता है, ऐसी नाकाशी करी गई है, चमकदार मार्बल लगाया गया है, व्हाइट मार्बल से चमकदार, इतना जबरदस्त सुंदर, डेट इज कॉल्ड पित्रादुरा, उसे हम कहते हैं। जहां पे मार्बल नाकाशी करी गई हो, प्रॉपर तरीके से चमक आ रही हो, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया हो, उसे हम कहते हैं पित्रादुरा। सो पित्रादुरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ताजमहल और इतमादुद्दौला का टॉम। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पित्रादुरा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी, सॉरी डी, 1605 इज द करेक्ट आंसर, 1605। अगला बताइए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन नवाधान्य मूवमेंट जो है 1987 में किसने स्टार्ट करी थी? ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करी गई थी, यानी कि जैविक विविधता को बचाने की बात करी गई थी, यहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी गई थी, राइट्स ऑफ फार्मर्स की बात करी गई थी, दैट इज इन द 1987 में। यस, बिल्कुल 1987 में, क्लियर। एंड दिस इज बाय द वंदना शिवा, वंदना शिवा, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, वंदना शिवा इज द राइट वन, क्लियर। बाबा आमते जो है इन्होंने लेप्रोसी के लिए काम किया था, लेप्रोसी, लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हैंसन डिजीज, ये याद रखना। जो वो होते हैं डेट इज जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, कुष्ठ रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो, क्लियर। मेधा पाटेकर जो है ये सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर था उसकी हाइट को बढ़ाने की बात करी गई थी, तो मेधा पाटेकर जी ने ये किया था ये काम। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद को हमारे भारत देश के अंतर्गत ऐड किया गया था। यस, हैदराबाद को भारत देश के अंतर्गत ऐड किया गया था कौन से साल में? जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, हमारे पास तीन स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, वो कौन कौन सी स्टेट थी? एक तो जूनागढ़ गुजरात में, कश्मीर ने नहीं ज्वाइन किया था, और हैदराबाद ने नहीं ज्वाइन किया था। फिर बाद में तीनों ने ज्वाइन किया, कश्मीर के साथ तो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जूनागढ़ में हमने प्लेबिसाइट किया था, लोगों से पूछा था, और हैदराबाद में हमने पुलिस एक्शन लिया था। पॉइंट समझ आया, पुलिस एक्शन लिया था, और हैदराबाद में जो भेजा था डेट वॉज ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो भेजा था, एंड डेट इज इन द 1948,
आंसर नंबर क्या बनेगा? फोर ऑप्शन। 1948 इज द करेक्ट आंसर, 1948 ऑपरेशन पोलो। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर फोर। ये देखिए जी, जूनागढ़, कश्मीर और आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा वॉयसराय है जिसने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था 1882 में? 1882 में अपॉइंट किया गया था, किस वॉयसराय ने अपॉइंट किया था ये हंटर कमीशन जो है 1882 में, फॉर द प्राइमरी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट के लिए ये किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसने किया था? डेट इज बाय द लॉर्ड रिपन। आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है यहां पे, तो आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन के टाइम पे फैक्ट्री एक्ट भी आया था, फैक्ट्री एक्ट दैट इज 1881, जिसमें लेबर कंडीशन की, लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने की यहां पे बातें करी गई थी। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो इसके टाइम पे ही आपका इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज इन द 1883 में। इल्बर्ट बिल जो था 1883 में आया था, इल्बर्ट कौन था? लॉ मेंबर था रिपन के दरबार में। और उसने बोला क्या था कि कोई भी अगर मुजरिम पकड़ा जाता है, कोई क्राइम करते पकड़ा जाता है, चाहे वो यूरोपियन हो इंडियन हो, तो अगर यूरोपियन भी पकड़ा गया तो जो सामने जज बैठा होगा, चाहे वो इंडियन जज बैठा है, तो उसको उसको सजा दे सकता है, यानी कि यूरोपियन को सजा दे सकता है। तो यूरोपियंस ने क्या किया था इसकी चीज के लिए, जो है रिवोल्ट किया था, और उन्होंने बोला कि हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे, हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे, यानी कि इंडियंस को गुलाम कहते थे, तो हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे। तो इस चीज को रिवर्स कर दिया गया, यानी कि अब यूरोपियन यूरोपियन को ही, मतलब जज को ही सुनेगा, और इंडियन इंडियन को ही। पॉइंट समझ आया? तो आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन लिखा गया है, लॉर्ड लिटन जो है इसे हम रिएक्शनरी वाइसराय कहा जाता है, छोटी छोटी बात का उल्टा रिएक्शन देता था। वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर की बात करी गई थी यहां पे, वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर दैट इज रिएक्शनरी वाइसराय, वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। और क्या था यहां पे? दैट इज वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर और अनपॉपुलर वाइसराय, इनको इन नामों से बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 1876 में इन्होंने दिल्ली दरबार सजाया, और उस टाइम पे पूरे इंडिया में क्या हुआ था, पूरे जो है डेट इज ये सूखे पड़े हुए थे पूरे भारत देश में। केसरी हिंद का टाइटल दे देता है क्वीन को 1876 में ही। 1878 के दो एक्ट हैं आपके, एक तो है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, एक है आपका आर्म्स एक्ट। ये चलाता कौन है? अगेन आपका लिटल। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर छापना है, आप छापो। वो न्यूज़पेपर जो है अपनी लैंग्वेज में छापना चाहते हैं तो छापो, वो न्यूज़पेपर पहले मेरे पास आएगा, यानी कि लॉर्ड लिटन के पास आएगा। तो लॉर्ड लिटन क्या कहेगा? लॉर्ड लिटन जो है देखेगा इस चीज को कि लॉर्ड लिटन जो है वो इस चीज को देखेगा कि अगर कुछ भी हमारे अगेंस्ट लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लिखा हुआ है, तो उसका पेपर छपेगा नहीं, पूरा नहीं छपेगा। और अगर ऐसा कुछ लिख दिया तो उसको फाइन भी होगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। ये सारी बातें करी गई थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा था आर्म्स एक्ट। यूरोपियन ने अगर बंदूकें रखनी है तो उनको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर इंडियंस ने बंदूकें रखनी है अपने पास तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहां पर यह बातें करी गई थी। लॉर्ड मायो की अगर मैं बात करता हूं तो ये वो पर्सन है जिन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है पैसा भी आपका नीचे लेवल तक, नीचे तबके तक जो है आपका पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी इन्होंने। समझ आया आप लोगों को? लॉर्ड मिंटो, आपको पता होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हमने पढ़ा था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, उसमें मिंटो कौन थे? गवर्नर जनरल वाइसराय थे। जब 1909 के अंतर्गत आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर।
सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम और ईमेल कर सकते हैं मुझे इस सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर विपन गोयल सर्च करना है। तो मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी सोशल मीडिया हैंडल ऐसे दिखेगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से ऐसे सर्च कर सकते हैं और ये आपको चीज़ें दिख जाएंगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी है। और जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बिहार पीसीएस के लिए, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का कोई एग्जाम देख रहे हैं, तो हमारे पेड कोर्स से आप पढ़ सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हमने एक 100 डेज प्रोग्राम चलाया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। उसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 1,500 मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बिहार जीके ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बिहार जीके आप इसे पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट जितने भी हैं उनको अटेम्प्ट करके पक्का जाना है आपको, ताकि आपकी जो है मैक्सिमम प्रेपरेशन हो पाए, क्लियर। और अगर आप इन तीनों चीजों को पढ़ जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा बिहार पीसीएस और बिहार सीजीएल का। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब भी आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो इस कोर्स के अंतर्गत आपको एक कोड लगाना है VIP फ्लैश। अगर ये कोड लगाते हैं तो आपको एक कोर्स जो है जस्ट 1299 रुपीज में मिल जाएगा। समझ आया। जीएस कोर्स की मैं बात करूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे आप इस चीज को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को दबाना तो आपको मेरे कोर्सेज नजर आ जाएंगे। फिर भी नजर नहीं आते तो सर्च बार में ऊपर डाल देना 10,000। जैसे आप 10,000 डालेंगे तो आपको कोर्स नजर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जस्ट लॉन्च का बटन भी होगा तो उसको व्यू ऑल करना, तो आपको मेरा कोर्स इजीली नजर आ जाएगा 10,000 एम्स के कोर्स। और फिर भी अगेन आपका जो हमारी वीडियो है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारी तरफ से एक मैसेज पिंड होगा, तो उसको क्लिक करके भी आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। सो बस इनको पढ़ो, तैयारी करो अच्छे से। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।